हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका परसों पेपर है, यानी कि परसों नहीं, कल, सॉरी, यहाँ पर आज 15 हो चुकी है, 16 में आप लोगों का पेपर है। आज आप सबका 15 में इको का पेपर है, फर्स्ट पेपर। हमसे जितना भी कंटेंट बन पाया हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और जितना भी पहुंचाया है वो सारा आपका ऑथेंटिक है। आप जो है उससे अगर आपने तैयारी की होगी या कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, क्योंकि हिंदी मिरर हमेशा आपको अच्छी कंटेंट ही प्रोवाइड कराता है, और जिससे आपको मालूम ही है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे बन पड़ते हैं और आपके नंबर भी अच्छे ही बन पड़ते हैं। चलिए अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, बीए थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन जो हुआ था 22 में, तो उससे संबंधित है ये। और यहाँ पर पेपर का नाम है पेपर फर्स्ट, सोशियोलॉजी का ये पेपर है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस तरह का आपका पेपर आया था। चलिए यहाँ पर पेपर का नाम चेक कर लीजिए, क्लासिकल एंड इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट्स। अब इसका जो मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर बैक वाला भी पेपर मैंने अपलोड किया था आपको। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम मिल ही नहीं रहे, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक नहीं करते हैं। जब मैं प्लेलिस्ट देती हूँ तो आपको वहाँ एकदम से मिल जाता है। जब मैं चेक करती हूँ प्लेलिस्ट में जाकर, तो मैं देखती हूँ कि सारा कंटेंट अवेलेबल है और आप लोग चेक नहीं करते हैं ठीक से। तो प्लीज़ ठीक से चेक किया कीजिए सारी प्लेलिस्ट को, और तब मुझसे क्वेरी कीजिए, क्योंकि क्वेरी जब आती है तो लगता है कि कंटेंट अपलोड हो चुका था और स्टूडेंट्स नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, तो मुझे फिर पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को देनी पड़ती है, लिंक देना पड़ता है। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट बना रखी है सब में, जैसे कि बीए सेकंड ईयर हिंदी, बीए थर्ड ईयर हिंदी। हालांकि लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट सेकंड पेपर की भी अलग की थी, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम शॉर्टेज था तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में फर्स्ट सेकंड पेपर डाल दिए थे। लेकिन सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ चेक किया कीजिए, और ना ही मिले तब आप बताया कीजिए कि मैडम नहीं मिल रही है। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के बने थे। और हिंदी मिरर के साथ बनने के साथ साथ एक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एक लाइक तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक एक ही करना होता है और शेयर आपको बहुत सारा करना होता है, क्योंकि आपके एक शेयर करने से, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है और कहीं नहीं मिलते हैं, यहीं हिंदी मिरर पर सारे पेपर आपको बिल्कुल सही मिलते हैं। ये नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी के उठाकर आपको डाल दिए गए हैं, सीधे सीधे आपको श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के ही ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न बन रहा है, पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर सामाजिक मूल्य पूछे गए हैं, सामाजिक मूल्य के सिद्धांत पूछे गए हैं। ये प्रश्न मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं राधा कमल मुखर्जी के द्वारा ही पूछे जाएँ, औरों के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम जो आज आपका मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था वहाँ भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर सांस्कृतिक विविधताओं के संबंध में डीपी मुखर्जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी आ गए और यहाँ पर राजकमल मुखर्जी आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके दो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर योगेंद्र सिंह के विचारों की विवेचना कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अगस्त कामटे द्वारा प्रतिपादित तीन स्त्रीय नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को जो अगस्त कामटे को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% पढ़ लीजिए, अगस्त कामटे से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, धार्मिक विचार आचार एवं पूंजीवाद के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों का उल्लेख कीजिए। मैक्स वेबर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैक्स वेबर में से, अगस्त कामटे में से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा ठीक है। और ऊपर मैंने आपको जो बताया था क्वेश्चंस सामाजिक सिद्धांत, वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। तीन टॉपिक ही ऐसे हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अब आ गए हैं आपके शॉर्ट आंसर की तरफ, जो कि आपके 5 नंबर का एक होता है, इसमें आपको 8 करने होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे गए थे टिप्पणी टाइप में,
प्रत्यक्षवाद सामाजिक तथ्य है, फिर इसके बाद पूंजीवाद वर्ण व्यवस्था, फिर इसके बाद क्वेश्चंस बन रहा था यहाँ धुरिए द्वारा प्रस्तुत जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं। बहुत अच्छा है धुरिए, इस बार हो सकता है आपसे शॉर्ट में पूछा गया और इस बार आपसे सॉरी लास्ट टाइम आपसे धुरिए जो है जाति व्यवस्था पूछी गई, तो हो सकता है इस बार इनका कुछ और आपसे पूछ लिया जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है प्रभु जाति की अवधारणा, सर्वोदय, फिर इसके बाद आधुनिकीकरण के 3 लक्षण। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो शॉर्ट के हैं वो लॉन्ग में इस बार बन सकते हैं, जैसे कि आपका आधुनिकीकरण के लक्षण और इसके जो धुरिए द्वारा प्रस्तुत जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं। थोड़ा हमें बैक में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक तथ्य पूंजीवाद, ये टॉपिक ऐसे हैं, हो सकता है इस बार यहाँ से वर्ण व्यवस्था लॉन्ग क्वेश्चन आपके निकल जाए। तो 3-4 टॉपिक यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ पर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन है। फिर इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक G.A.S. घुरिए द्वारा लिखी गई है, कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड पावर, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, चलिए देख लेते हैं कौन सा लक्षण नहीं है। अभी आपसे लक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, कितने प्रकार के लक्षण होते हैं। ठीक है, मानवतावाद, तार्किकवाद, जातीयता, सार्वभौमिकता, तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा लक्षण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित समाजशास्त्र में से किसने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया है, तो यहाँ पर MN श्रीनिवास, आंद्रे बेते, GS धुरिए, SC दुबे। फिर है मुक्ति की अवधारणा, मुक्ति की अवधारणा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने, महात्मा गांधी ने, मैक्स वेबर ने, दुर्खिम ने। मुक्ति की अवधारणा शॉर्ट लॉन्ग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में बना है तो हो सकता है इस बार आपसे लॉन्ग शॉर्ट में पूछ लिया जाए। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ऑप्शन आप देखते चलिए, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, फिर इसके बाद किस विज्ञानों के क्रम में अगस्त क्रांति ने पहला स्थान दिया है, किसको दिया है, ऑप्शन यहाँ सामने है, चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु क्या है, फिर इसके बाद धर्म को सामाजिक तथ्य मानने वाले समाजशास्त्री हैं। 10 क्वेश्चन, आगे चलते हैं 11 पर, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है किसने कहा है, फिर इसके बाद द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसने लिखी है, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है हु सेड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है किसने कहा, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह सबसे पहले प्रारंभ किया गया। फिर इसके बाद 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और मुझे लगता है ये क्वेश्चंस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने ही पेपर अपलोड कर दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स की क्वेरी जा रही थी कि नहीं हुआ है तो दोबारा इसलिए लेकर आई हूँ। तो अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कल आपका पेपर है। बेस्ट विशेस के साथ, लाइक करते रहिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर और शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स सेंड करते रहिए और फीडबैक भी अपना सेंड करते रहिए।